हाल ही में सूबे के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद पर काबूस हुए कांग्रेस समर्थित वाइस चेयरमैन विशाल चंबियाल ने भाजपा के मंत्रियों व कांगड़ा के सत्ताधारी विधायकों पर चुनावों में सत्ता के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि हाल ही में हुए कांगड़ा जिला परिषद के उपाध्यक्ष के पद के चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी विशाल चंबियाल को 35 वोट मिलने से उनकी जीत हुई है और भाजपा के प्रत्याशी की हार हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी विशाल चंबियाल ने माना है कि भाजपा की मदद से ही उनकी जीत मुमकिन हो पाई है। बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विशाल चंबियाल ने कहा कि उनका नाम पहले से ही आगे आ गया था और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनका पूरा सहयोग किया था ताकि कांगड़ा जिला में कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि चुनावों में जिला कांगड़ा से सभी कांग्रेस के नेताओं ने उनकी खुलकर मदद की। विशाल चंबियाल ने सभी नेताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जब चुनाव होने थे उनसे पहले उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए गए व कई और बातें भी बोली गई, लेकिन आज जीत मिल जाने से बाकी जिला परिषदों को यह उम्मीद जगी है कि उनकी लड़ाई हर तरीके से लड़ी जाएगी और उनका हक दिलाने में विशाल चंबियाल सफल होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जिला परिषद व समिति सदस्यों के बजट पर कैंची चलाई है और जिला परिषद व समिति सदस्यों को बजट नहीं मिल रहा है, जिस कारण वह अपने क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। चंबियाल ने कहा कि वर्तमान में जो बजट जिला परिषद के सदस्यों को मिल रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने कहा कि वह जिला परिषद व समिति सदस्यों के बजट को बढ़ाने के लिए लड़ाई को जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। पर उसका मुख्य मुद्दा यह है, मैं सबसे पहले तो प्रेस बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां आए और जो आपने 4-5 दिन पहले जो डिमांड्स जो सच्चाई थी वो सबके सामने आपने रखी, चाहे वो पेपर के माध्यम से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो। जिस तरह से मेरे खिलाफ जो है 4 मंत्री 10 MLA जिन्होंने मेरे खिलाफ काम किया, तो मैं समझता हूं कि ये जो सच्चाई आपने इसमें पेश की उसका भी मुझे बहुत फायदा हुआ और आपने ये कॉन्फिडेंस दिखाया, क्योंकि जब सरकार होती है उसके खिलाफ या उसकी सच्चाई बोर्ड लिखना भी जो है वो बहुत बड़ा काम है। दूसरी तरफ हमारे माननीय अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है वो जिस तरह से रणनीति हमने लगभग 1.5 महीना पहले बनाई थी और उसकी बदौलत जो आज हम ये इलेक्शन जीते हैं, और मेरे जितने सहयोगी जिला परिषद मेंबर हैं उन सब ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जितने हमारे कांग्रेस के जो हैं चाहे वो पूर्व MLAs हैं चाहे पूर्व मंत्री हैं, वो सब ने जो है मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाला जो समय है हमारी जो भी प्रॉब्लम्स जो भी मुश्किल्स होंगी उनको हम हल जो है मिलजुल कर इकट्ठा होकर करेंगे। क्या डिमांड्स अब रहने वाली जिला परिषद? सबसे बड़ी डिमांड तो हमारे बजट की डिमांड है, जो हमें बजट ही नहीं है, तो जो हमारा बजट जो है वो सेंटर से आता है और वो टोटली बंद है। जो पंचायती राज में 3-टायर सिस्टम है जिसको उन्होंने बिल्कुल टोटल बंद कर दिया है जिला परिषद और समिति मेंबर का, ये खाली बजट जो है सिर्फ प्रधानों को दे रहे हैं और जो हमें है वो बजट हमारा बंद कर दिया है। उस बजट की लड़ाई हम लड़ेंगे, उसके लिए हमें चाहे जो भी बगावत करना पड़ेगी हम सब मिलकर जो है बगावत करेंगे। अब मानते हैं कि भाजपा का जो बगावत है उसका लाभ आपको हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा में बगावत की कोई बात नहीं है। लोगों का जो रोष था, 9 महीने हो गए हैं और 9 महीने में एक भी मंत्री ने एक भी MLA ने जिला परिषद का हाल नहीं पूछा। हम लोग भी उनके मतलब एरिया से आते हैं तो किसी ने नहीं पूछा कि आप लोग कितने परेशान हैं, क्या आपको बजट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसी एक मीटिंग में आज तक वो उनमें से कोई यहां नहीं आया। तो ये वो उस जो मतलब उनके अंदर जो गुस्सा था वो बाहर निकला है।